प्रयत्न इसलिए है कि कश्मीर जो भारत का नंबर एक स्थल है पर्यटकों की दृष्टि से, वो उसमें हम इस विंटर सीजन में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो हमारी कोशिश ये है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि भारत का टॉप डेस्टिनेशन बना रहे, समर सीजन भी बहुत अच्छे से चले, और उसके लिए जो भी कदम करने ले रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट रोड शो कर रहा है देश के विभिन्न भागों में, डोमेस्टिक टूरिज्म टूरिस्ट आ रहे हैं, थोड़ी देर में अगर हम ये स्थिति सुधर गई, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए, तो उनको भी कैसे हम यहाँ ले आ सकें, ये सब सर जो टूरिज्म से पर्यटक के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे से रिलैक्सेशन और सब्सिडीज की मांग कर रहे हैं, उनका कुछ उम्मीद है उनके लिए? अब आज तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट ये ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो टूरिज्म को और पर्यटन के बढ़ावा को केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, तो निश्चित आप अच्छे कदम देखिए। जैसे इस वक्त अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा, एडमिशन ओपन।